हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रकाश पाटीदार। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एंगुलर जीएस फिल्टर्स। कुछ फिल्टर्स मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियोस में, जो कि हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं एंगुलर जीएस फिल्टर्स। इससे पहले आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे नेक्स्ट आने वाले एंगुलर जीएस के वीडियोस के लिए। आपको ईमेल नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम एंगुलर जीएस फिल्टर्स यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे एक एंगुलर जीएस फिल्टर आपको दिखाता हूँ, एंगुलर जीएस फिल्टर। यहाँ पर मैं एक फॉर्म एलिमेंट लूँगा, एक फॉर्म एलिमेंट इनपुट लिया मैंने यहाँ पे, और टाइप इक्वल्स टू टैक्स दिया मैंने। ठीक है, एंड एनजी डायरेक्टिव्स जो यूज़ किया मैंने, एनजी मॉडल, जो कि फॉर्म एलिमेंट के लिए फॉर्म एलिमेंट की वैल्यूज को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया नेम। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि ये जो नेम है, इसको मैं एक फिल्टर यूज़ करना है मुझे, तो यहाँ पे आ जाएगा नेम इज, और यहाँ पे मैंने एक फिल्टर यूज़ किया नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या दिया, वेलकम। ठीक है, ये वेलकम आ गया नेम। तो अब जब मैं इसको आउटपुट देखना है मुझे, तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा माय नेम इज़ प्रकाश पाटीदार। ठीक है, ये क्या आ गया, प्रकाश पाटीदार प्रिंट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसमें, जब मैं इसमें एक फिल्टर्स लगाएंगे, फिल्टर लगाने के लिए एक पाइप का यूज़ करते हैं इसमें, कीबोर्ड में जो खंडा डंडा होता है इसको पाइप बोलते हैं। तो अब इसमें जब अपर केस में कर दूंगा, अपर केस, अब जो इसमें एलिमेंट में टेक्स्ट जो मैं भी टाइप करूंगा, उस क्या आएगा, अपर केस में प्रिंट होगा। ठीक है दोस्तों, ये अपर केस में प्रिंट हो गया। इसी टाइप से यदि लोअर केस रखूँगा, तो लोअर केस तो बाय डिफॉल्ट यूज होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है प्राइस। प्राइस के लिए क्या होता है, करेंसी। करेंसी मुझे एक फिल्टर, करेंसी फिल्टर लगाना है, तो प्राइस इज, ये मेरी प्राइस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये प्राइस, यहाँ पे प्राइस कर दिया मैंने, और अब यहाँ पे मैंने लगाया करेंसी। ठीक है, तो मैं कुछ भी इसमें प्रिंट करूँगा। अब मैंने कुछ नंबर डाले, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉलर साइन मिलेगा, और ये इसकी करेंसी का फॉर्मेट भी सेट कर देगी, और बाय डिफ़ॉल्ट 2 डेसिमल तक ये डिफाइन करती है। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट यदि करेंसी लिखा तो ये डॉलर साइन लेता है, यदि मुझे रुपीस में प्रिंट करना है करेंसी को, तो कॉलन लगाएंगे, जस्ट जस्ट करेंसी, आफ्टर दैट करेंसी कॉलन यूज़ करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे रुपीस। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होगा कि जो मेरी करेंसी होगी वो फिल्टर्ड हो जाएगी रुपीस में, ये। ठीक है, अब मुझे 2 डिजिट तक, मुझे डेसिमल नंबर के 3 डिजिट तक मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैं 5 कर दूंगा, तो 5 डिजिट डेसिमल नंबर यूज़ हो जाएगी। देखिए, ये 5 डिजिट, ये आप देख रहे होंगे, जो कि डेसिमल 5 डिजिट। तो दोस्तों, इस टाइप से हम फिल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं, अपर केस, लोअर केस फिल्टर, करेंसी फिल्टर। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियोस आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में भी आपको ईमेल नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।